आइडियल स्टूडेंट्स एक स्टोरी है जिसका हम हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करेंगे और ये यूपी बोर्ड और 12वीं कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आई थिंक ये ही आपके पेपर में आ सकता है। विज्ञान स्वयं में न तो अच्छा है और ना बुरा, तो विज्ञान, विज्ञान यानी साइंस, साइंस है कि इज, साइंस इज ना तो ना, साइंस इज नाइदर, साइंस इज नाइदर गुड गुड नोर बैड। स्वयं इन इट्सेल्फ, इसको आप इट्सेल्फ को यहां भी लिख सकते हैं, साइंस इन इट्सेल्फ इज नाइदर गुड नोर बैड। यह एक शक्ति है, तो यह है कि इट है कि इज, इट इज अ पावर, इट इज अ पावर। यद्यप हम इसका उपयोग बुद्धिमानी पूर्वक करते हैं, यदि हम इसका उपयोग बुद्धिमानी पूर्वक करते हैं, यदि कि इफ, इफ वी यूज इट wisely, wisely, यदि if, if we use it wisely, तो यह एक वरदान है, तो कि it is a boon, it is a boon। यह हमारे जीवन को संपन्न बना सकता है, तो इट, यह हमारे जीवन को संपन्न बना सकता है, इट कैन मेक हमारे की अवर लाइफ प्रॉस्पर, प्रॉस्पर और इनरिच्ड, ये भी प्रॉस्पर की स्पेलिंग है। यह हमारे जीवन को सुखी एवं संपन्न बना सकता है, इट कैन मेक अवर लाइफ प्रॉस्पर या इनरिच्ड एंड और जॉयफुल, सुखी या हैप्पीली, जॉयफुल। यदि हम विज्ञान का उपयोग मूर्खतापूर्वक करते हैं, इफ, इफ वी यूज, इफ वी यूज इट, यानी साइंस के क्या ले लिया हमने इट, इफ वी यूज इट फूलिशली, इफ वी यूज इट या साइंस फूलिशली, तो यह अभिशाप बन सकता है, तो कि इट, तो का कॉमा हो गया, इट कैन बी अ कर्स, इट कैन बी अ कर्स। यह तब यह हमारी सारी प्रगति को छड़बर में नष्ट कर सकता है, तब या देन, कोमा भी लगा सकते, देन इट कैन डेस्ट्रॉय, नष्ट करना है क्या, वो डेस्ट्रॉय, इट कैन डेस्ट्रॉय ऑल आवर प्रोग्रेस, ऑल आवर प्रोग्रेस, इट देन इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल अवर प्रोग्रेस इन, छड़बर में क्या होता है, इन अ मोमेंट, है ना, तब यह हमारी सारी प्रगति को छड़बर में नष्ट कर सकता है,
देन इट कैन डिस्ट्रॉय ऑल अवर प्रोग्रेस इन अ मोमेंट। यहां तो होगी, देखिए, अतः हमें विज्ञान के उपयोग में सदैव सावधान रहना चाहिए। तो अतः सो या देयरफॉर वी शुड ऑलवेज वी वेयर इन यूज ऑफ साइंस। वी मस्ट ऑलवेज बी वेयर इन यूज ऑफ साइंस या यूजिंग ऑफ साइंस, बहुत हार्ड करेक्ट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।